देखने को मिली। इरेडा देखिए 10% के लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। आरईसी देखिए वहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, और पीएफसी देखिए वहाँ दबाव देखने को मिल रहा है। इन तीनों शेयर में हमने एक बड़ी रैली देखी थी खासतौर पर। गुरमीत जी, मुझे आपसे ये समझना है कि क्या इन शेयरों में एक बार के लिए मुनाफा वसूली करने का मौका है, और ये गिरावट क्या एक मौका दे रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस रैली को मिस कर दी, और जो डिम्पी लगातार कह रहे हैं सुख दुख का जो परिभाषा उन लोगों ने बताया उसमें इस किस परिभाषा पे आ रहा है? पीएसयू उसको स्पेशली जो फाइनेंसिंग आर्म्स है पावर, जो टैक्टिकल पोर्टफोलियो में रखूंगा, कोर में नहीं रखूंगा। अगर आपको बहुत शार्प रन अप मिला है तो कोई बुराई नहीं है थोड़ा सा, अगर आप और आज लोअर सर्किट लगा है, आईपीओ आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद वो 100% ऊपर चला गया। और देखिए इनके एनपीए रिकग्निशन नॉर्म्स बहुत अलग होते हैं वर्सेज जो नॉर्मल आरबीआई रेगुलेटेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी है। तो अच्छे वक्त में अच्छा चलते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस समय बैंक्स में बेटर रिस्क रिवॉर्ड है। आपको एचडीएफसी बैंक शायद 2-2.1 बुक वैल्यू पर मिलता है, 14 के फॉरवर्ड अर्निंग पर मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 या 9 के अर्निंग मल्टीपल पे है, 1.2 बुक वैल्यू पे है। आईसीआईसी बैंक नहीं चला भी, आप देखेंगे तो 2 के आसपास, 2.25 के कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू पे। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बैंक्स में ज्यादा, और देखिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा रिस्क बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऐसे ऐसे मूव आते हैं रिस्क बढ़ता है। जब मार्केट गिरता है तो रिस्क घटता है, बट वो साइकोलॉजी आपको ये बोलती है कि बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करें और कैरिड अवे मत से, ये रिटर्न्स जो है सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, बट ये मैं मानता हूँ कि इंडिया 3-5 साल की एक बहुत अच्छी साइकिल, टेकेट भी बहुत अच्छा है, बट नियर टर्म में थोड़ा सा वैल्यूएशन, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन जरूर है। बिल्कुल गुरमीत जी, वही बात बोल रहे हैं जो थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने बात रखी थी कि जब आप थोड़ा ज़्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं ना तो नुकसान आपका होगा अगर थोड़ा सा